नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान देने वाले आर्टिकल 370 में कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी राज्यसभा में मोदी सरकार ने पास करा लिया। आज इसी बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन और अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के फैसले के बाद भी घाटी का माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। राज्य में हिंसा की एक भी खबर अब तक सामने नहीं आई है। श्रीनगर में आज सुबह लोगों को घरों से निकलकर आसपास बात करते देखा गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए नरसंहार मामले की आज से एसआईटी जांच शुरू होगी। आज एसआईटी की एक टीम सोनभद्र पहुंचेगी और जमीन नामांतरण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करेगी। इस टीम की अगुवाई डीआईजी जे रविंद्र गोड करेंगे। कर्नाटक में आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी बीच बेलगावी जिले में निप्पानी के पास नेशनल हाईवे 4 पर दरार पड़ गयी, इस कारण हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से रोजाना सुनवाई शुरू होगी। हर पक्ष अपनी दलीलों के साथ तैयार है। कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यही है कि क्या विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था और क्या उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के भारत सरकार के फैसले के बाद सोमवार देर रात दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बगावती सूट देखने को मिले हैं। सोमवार देर रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर एक बार फिर आजादी आजादी के नारों की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले से हर कोई तारीफ कर रहा है। खास तौर पर लोग पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बहुत खुश हैं। इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मोदी और शाह को इस साहसिक कदम के लिए सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने शक्तिशाली आईईडी नष्ट कर दिया। आईईडी बिछाने के पीछे नक्सलियों की मंशा सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाना था। जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान में खलबली मची है। इस बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आज यानी मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है। खास बात है कि इस दौरान सभी सेना प्रमुखों को भी तलब किया गया है। अनुच्छेद 370 को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका की माने तो वह भारत के फैसले पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिकी प्रवक्ता मॉर्गन आर्टेगस ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान से एलओसी पर शांति और स्थिरता बनाने की अपील करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।